जी बिल्कुल, इस वक्त मलक बिनियामीन इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। शकील जट इनके साथ भी काफ़ी अरसा कबड्डी खेला, तो हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब से हम जानेंगे कि शकील की कमी को किस तरह देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। मलक साहब, शकील अब इस दुनिया में नहीं रहा, आप किस तरह देखते हैं ये पाकिस्तान कबड्डी को कितना नुकसान हो गया इसका? जी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है शकील भाई का, तो नुकसान तो नहीं पूरा सकता तो, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है तो हम उसके पीछे अब दुआई पेश करते हैं। तो जो पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान उसको इसकी कमी पूरी नहीं हो सकती कभी। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान पूरी दुनिया में शकील को बड़ा चाहते हैं लोग, तो हर दिल ही इस वक्त अफसरदा है, तो अपने उनके चाहने वालों के लिए कोई पैगाम आप? शकील तो हर एक ही चाहता है, उसके सारा पाकिस्तान में वजीर हुआ है उसके पीछे ना, शकील भाई के, तो उनको यही पैगाम है कि उसके लिए दुआ करें, उसकी मगफिरत के लिए पीछे दुआ करें उसके। तो ये जो अब नया खाना चलाया हुआ है इन्होंने, तो इससे प्रेर करें, तो उसके लिए दुआ करें शकील भाई के लिए, अल्लाह पाक से जन्नत में जगह। कैसा लड़का था शकील? जी बहुत अच्छा लड़का था वो, जिधर जिधर भी जाता था ना उसे उसकी महफिल होती थी, यारों का यार था। बिल्कुल यारों का यार। अच्छा सिखा ना बड़ी मोहब्बत है शकील दे नाल? हाँ जी, वो खेलिया उठ जाके कैनेडा भी खेलिया, इंडिया भी खेलिया, तो उन्होंने प्यार करते बहुत ज़्यादा सिख जे प्यार करते। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, तुम अपना कीमती वक्त दिता था। अल्लाह पाक शकील जट की मगफरत फरमावे, दोस्तों नू उहदे लवाहकीन नू सबरे जमील देवे। साडियां पूरी दुनिया दियां दुआवां शकील दे, उहनां दे उस्तादां दे, उहनां दे दोस्तां दे नाल आ जी।